नमस्कार, आप सबका स्वागत है विद्यासागर एकेडमी के YouTube चैनल पर। और बजट 2023 के आधार पर जो उम्मीद की जा रही थी, उस वक्त तो खैर पूरी नहीं हुई, लेकिन पूरा एक माहौल ये बना हुआ था कि 1 लाख पदों की भर्ती जो संभावित बता रहे थे वो कब आएगी। तो अभी तक ये चीजें आंकड़ों के रूप में क्लियर नहीं हुई है कि कौन से डिपार्टमेंट में से कितने पद आएंगे। जैसे एक सूचना शिक्षा विभाग के आधार पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो दी है, जो 21,000 पदों पर जो भर्तियों का अलग अलग 12 उसमें अलग 44 अलग अलग पद जो है, ये सारी चीजें कुल मिलाकर 1 लाख पद है। हम इस पे बात करें कि अगर अलग अलग 10 डिपार्टमेंट या 10 संस्थाएं हम बड़ी देखें तो ऑन एन एवरेज 10,000 पद या उसमें ग्रेड के हिसाब से कोई 3200 कोई 2700 ऐसे पदों की संख्या छोटे छोटे सेक्टर में सब में मिलेगी। उनमें सबसे बड़ा पहला जो नाम है, ये कलर अपने अगर चेंज करें, इसमें राजस्थान पुलिस और ये जो टीचर है, इसमें जो पद अभी तक बताए गए हैं उसमें थर्ड ग्रेड यानी जो रीटेक तरीके से क्वालिफाइंग नेचर, सेकंड ग्रेड और व्याख्याता ये आ चुके हैं और इसके 800 पद आने की पूरी संभावना है, दोनों एसआईबी और कांस्टेबल। ये चीज अपने जिक्र कर चुके हैं कि अगला जो पूरा अपना दारोमदार है, पूरी जो एकेडमी जिस भर्ती के लिए बेहद समर्पित होगी, जैसे इससे पहले पीटीए के लिए या उससे पहले कभी पटवार के लिए हुई थी, तो अब वो अगली जो भर्ती है वो क्या है, एसआई है, सब इंस्पेक्टर 2023। इसके अलावा स्वायत्त विभाग में हमें देखने को मिलेंगे एलडीसी, उसके अलावा ये सूचना सहायक और पशुधन सहायक या सॉरी लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक, एलएसए नहीं है ये एलए है, उनकी भर्ती भी है, एसएससी चाहे सीजीएल हो, और बेहद शानदार अलग प्रकार से कृषि पर्यवेक्षक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 450 प्लस पद आने ही आने हैं। और दूसरा इसका एक पक्ष जो है वो पॉइंट जो नोट करने वाला वो है जेट 2023, लगभग 1.5 महीना जो अपने पास बचा है, इस परीक्षा का पहली बार हनुमानगढ़ में जो है शुभारंभ हो रहा है 20 तारीख से विद्यासागर अकेडमी में। ये सभी सबके सब बैच जो है वो 20 जनवरी से माफी चाहेंगे 20 फरवरी से जो है वो शुरू है, ठीक है, और मार्च तक पहले हफ्ते तक आपको ढेर सारे इन पदों के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएंगे। तो अभी हम इस पर चर्चा करेंगे किसके कितने कितने पद आ रहे हैं, वो एक लंबा विषय आ रहे हैं, हमें जो ये बेरोजगारी है इसको दूर करने के जो प्रयास है वो अवसर है वो मिल रहे हैं। जैसे आरएएस है, बेहद बड़ा स्तर है, लेकिन इसमें एक भाग भी जोड़ा गया है जी, जो सेम वही है जो किसमें है ईओ और आरओ में जी। ये जो नगर निगम वाले जो है, इसके अलावा जिसमें माइन है या चीजें, इनमें सेकंड ग्रेड पद अलग से आए, संस्कृत विभाग में भी आए और थर्ड ग्रेड भी आने की पूरी संभावना है। अब जो सारे नाम, जो सारे जो टीचर हैं किसी में भी, इसके अलायदा भी जितने भी कोई विषय है, चाहे वो ईरो इसमें लैब असिस्टेंट में कोई अलग से हो या इसमें बीटेक एमटेक जो सूचना सहायक है उसमें अलग से हो या ईरो के लिए कोई अलग जो है, जितने भी विषय हैं सबके विशेषज्ञ रहेंगे। 20 फरवरी से विद्यासागर अकेडमी में राजस्थान एसआई, एलडीसी, कृषि पर्यवेक्षक, सीईटी, आरएएस, कांस्टेबल और ये सहायक जो पद है, चाहे प्रयोगशाला सहायक हो चाहे उसमें जो है आपका सूचना सहायक हो, इन सभी के बैच सोमवार 20 फरवरी से सुबह 10 बजे से शुरू हो रहे हैं। शुरू के 3 दिन तक जो है वो आप निशुल्क डेमो देख सकते हैं। एक ये जो प्रयास है, आपको जो ईश्वर ने आपके माता पिता के रूप में आपको दिया है सरकारी नौकरी के लिए,
आप उसको कैसे भी तरीके से पाए, हम उसमें एक साधन मात्र है। हमारा पूरा प्रयास है, पूरा सहयोग है कि आपको उचित मूल्य पर कम समय में बेहतरीन तरीके से और नजदीक में जो है एक ऐसा इन्वायरमेंट मिले जैसा आप काफी समय से चाहते थे कि हमारे हनुमानगढ़ में क्यों नहीं, क्यों हमें हर चीज के लिए को जयपुर या गंगानगर इस तरफ जो है वो जाना पड़े, दिल्ली जाना पड़े, सूरतगढ़ जाना पड़े, क्यों जाना पड़े। कि अगर ऐसी चीजें जो है वो हमें अगर अपने हमारे जिले में ठीक है, हम 1990-91 में पैदा हुए, ज्यादा पुराने नहीं है, पर इसका मतलब मैं जिले की बात कर रहा हूं, ये तो नहीं है कि हमें बढ़ने का अधिकार नहीं है। अभी तो हम जिस जिले से अलग हुए थे उसकी बराबरी में भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, और ये सच है। तो कुछ ना कुछ तो योगदान दें। तो ये जो स्टार्टअप या ये जो यूथ जो एनर्जी है वो जिस भी रूप में सहयोग करे, उनसे ये हमारा एक तरीके से दरखास्त है कि आप प्रयास करें कैसे भी माध्यम से। आप इंस्टा पर जो कॉमेडी वीडियो बनाते हैं वो भी एक प्रयास है इस क्षेत्र को प्रसिद्ध करने का। जितने भी इसमें लोग शामिल है सब धन्यवाद के पात्र है। हमारी भाषा, हमारे कल्चर को, हमारे इस भौगोलिक प्रदेश को, केवल मतलब घग्गर और कालीबंगा वो तो ऐतिहासिक है ही है, उसके अलावा नई चीजों में क्या है वो वहां तक पहुंचे। हम शिक्षा के माध्यम से या जो ये गैर औपचारिक शिक्षा जो एक तरीके से कह लीजिए, बहुत सारे लोग छोटे जो बच्चे हैं 7वीं 8वीं 12वीं तक उनको जो तैयारी करवा रहे हैं, उसके आगे कोई नीट या IIT की तैयारी करवा रहे हैं, वो भी इसी कार्य में लगे हुए हैं। सब किसी भी छोटी तहसील में, गांव में खुली हुई लाइब्रेरी, कोचिंग, ये प्रयास है हमें शिक्षा की ओर हनुमानगढ़ का भाव दर्शाने का, ताकि हमारे बच्चे जो है वो किसी अन्य जिले में ना जाए। जब उन्हें वहां मिलेगा ये कंटेंट तो नहीं जाएंगे, कोई भी नहीं चाहता घर से दूर जाना। तो आज के लिए इतना ही है, 20 फरवरी को मिलते हैं आपसे विद्यासागर अकेडमी हनुमानगढ़ जंक्शन में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।